नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। एसीबी ने खंगाला, डीटीओ इंस्पेक्टर महेश की पत्नी का लॉकर, निकला 586 ग्राम सोना, 100 ग्राम चांदी, वैल्यू 37.5 लाख। तेजाब कांड पर बड़ा फैसला, आरोपित को 10 साल की कैद, 11,500 रुपए लगाया जुर्माना। राजमेश की लाश पर सिर रखकर रोए चिकित्सक, निकाली अंतिम यात्रा। जीपीएफ खाता आवंटित करने एवं सीपीएफ कटौती बंद करने की मांग को लेकर विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन, सीएम के नाम एसटीएम को सौंपा ज्ञापन। कृषि मंडी व्यापारियों द्वारा सड़ा गला माल इधर उधर फेंकने का वार्ड वासियों ने किया विरोध, दी धरने की चेतावनी। सड़कों पर परत दर परत डामर चढ़ाना गलत, बोले धीरज गुर्जर। भिलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम आकस्मिक चेकिंग के दौरान डिटेन किए गए परिवहन निरीक्षक महेश पारिक की पत्नी हंसू के नाम के रायला स्थित एसबीआई बैंक के लॉकर में 586 ग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी मिली है। फिलहाल बैंक खाते की डिटेल एसीबी को नहीं मिल पाई। उधर इस कार्रवाई से परिवहन कार्यालय में बुधवार को भी हड़कंप मचा रहा। एसीबी सूत्रों के मुताबिक भिलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर हजारीखेड़ा स्थित परिवहन विभाग के चेक पोस्ट पर हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों से अवैध वसूली की एसीबी मुख्यालय को शिकायत मिली थी। इसके चलते महानिदेशक एसीबी के निर्देशानुसार एसीबी अजमेर के एसपी भागचंद मीणा के नेतृत्व में एक टीम मंगलवार को भिलवाड़ा बाईपास स्थित हजारीखेड़ा पहुंची, जहां परिवहन विभाग का दस्ता मिला जिसमें परिवहन निरीक्षक महेश पारिक व 5 संविदा कर्मी शामिल थे और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। एसीबी ने इस आकस्मिक चेकिंग के तहत इंस्पेक्टर सहित 5 संविदा कर्मियों को डिटेन किया। इसके बाद इनकी और वाहन की तलाशी ली तो 1,47,440 रुपए की राशि मिली। एसीबी टीम ने निरीक्षक महेश पारिक के सांगाने रोड स्थित घर की तलाशी ली, जहां कुछ खास नहीं मिला, लेकिन पारिक की पत्नी के नाम का रायला एसबीआई में बैंक लॉकर होने का पता चला। इसके चलते बुधवार को एसीबी की टीम रायला बैंक पहुंची और एसबीआई में पत्नी हंसू पारिक के लॉकर को खंगाला। एसीबी सूत्रों ने बताया कि इस लॉकर से 586 ग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी मिली। एसीबी ने इसकी वैल्यू 37,05,000 रुपए आंकी है। आठ साल पुराने तेजाब कांड पर फैसला आ गया है। आरोपी हीरानाथ योगी को विशिष्ट न्यायाधीश ने 10 साल की सजा और 11,500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। घटना जिले के करेड़ा थाने के गरवाए गांव में हुई थी। प्रकरण के अनुसार करेड़ा थाने के गरवाए गांव का निवासी रूपालाल पुत्र भेरू प्रजापत ने 31 जनवरी 2016 को एफआईआर दर्ज करवाई थी कि वह अपने घर से खेत जाते समय रास्ते में गोपाल सिंह रावल के मकान के पास रुका और बातचीत कर रहा था। इस दौरान पीछे से उसी के गांव का हीरानाथ पुत्र मांगूनाथ योगी तेजाब की बोतल लेकर वहां आया और उस पर अचानक तेजाब फेंका। इसे रूपा के साथ ही उसके पास खड़े गोपाल सिंह रावल व विष्णु रावल झुलस गए। रूपा ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी हीरानाथ ने तेजाब से उसे जलाकर मारने की कोशिश की। इस घटना के बाद रूपा अपनी जान बचाकर भागा। रूपा ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे अभी भी धमकी दे रहा है कि उसके घर पर 5 लीटर तेजाब पड़ा है। उसने परिवादी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस अपराध को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच की। आरोपी हीरानाथ को डिटेन कर पूछताछ की। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने 12 गवाहों के बयान करवाए और 17 दस्तावेज पेश कर हीरानाथ पर लगे आरोप सिद्ध किए। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर आरोपी हीरानाथ योगी को 10 साल के कठोर कारावास और 11,500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर चिकित्सक स्ट्रेचर पर पड़ी राजमेश की लाश पर सिर रखकर रोए। अर राजमेश 7 साल मुथ ने पाल पोस्ट बड़ो की तो अचानक थारे कई भी हो तुमाने छोड़ पर रोकियो। इस तरह का बिलाप बुधवार को इसके बाद अस्पताल परिसर में राजमेश की अंतिम यात्रा पर भी निकाली। दरअसल राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित प्रदेश के 17 मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सक पिछले 2 दिनों से राज्य सेवा नियम सभी चिकित्सक शिक्षकों पर लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। दूसरे दिन मंगलवार को भिलवाड़ा से 30 चिकित्सक जयपुर में राज्य स्तरीय धरने में शामिल हुए। इनमें से 25 चिकित्सक भिलवाड़ा लौट आए।
बुधवार को जयपुर में मौजूद भिलवाड़ा के 5 चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र कुमार वर्मा, डॉक्टर मनीष पोखरणा, डॉक्टर संदीप चौधरी, डॉक्टर महेंद्र आदि जयपुर में राज्य स्तरीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर सरकार से वार्ता कर रहे हैं। एमजीएच एनेस्थीसिया विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि हड़ताल के तीसरे दिन बुधवार को भिलवाड़ा में एमजीएच के बाहर प्रदर्शन, विलाप व अंतिम यात्रा निकाली गई। जयपुर में प्रतिनिधि मंडल से चल रही वार्ता के दौरान राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के इस मामले की फाइल वित्त विभाग को भेजी है। इसके अलावा मामले के निस्तारण के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाने का भी विचार चल रहा है। इस कमेटी में राजमेस, वित्त विभाग के अधिकारी, डॉक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शामिल करने की मांग की जा रही है ताकि समस्या का तरीके से समाधान निकाला जा सके। मेरा नाम डॉक्टर चेतन है, फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में यहाँ पे हूँ। आज ये हमारा तीसरा दिन स्ट्राइक का है और इमरजेंसी सेवाओं के अलावा अन्य सभी जो इलेक्टिव सर्जरीज होती है वो सब बाधित है। पेशेंट काफ़ी लोग परेशान भी है, हालांकि हमने इमरजेंसी में 24 घंटे चालू रखी है और आज भी अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम दौड़ के जाएंगे, ये हमारा पूरा वादा है। लेकिन हमारी भी सरकार सुने, 17 मेडिकल कॉलेजों में सभी लोग मिलकर एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन पूरा बाधित हो रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स इधर उधर तितर बितर घूम रहे हैं। अगले हफ्ते से इनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है क्या करना है। मेडिकल एजुकेशन पूरी तरह से प्रभावित है। एनएमसी वास्तव में अगर इसी तरह रहा तो एनएमसी वापस हमको अगले साल बैच आने के लिए रोक भी सकती है। काफी नए मेडिकल कॉलेजेस में इसकी रोक भी आई है, सरकार को पेनल्टी भी लगी है। जैन आरएमसीटी के बिहाफ पे आपको बताना चाहती हूँ कि अभी भी हमने थोड़ा सा हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि अभी भी हमें सरकार से या राजमेस से या जो भी फाइनेंस के पदाधिकारी हैं उनसे हमें भी लिखित में आश्वासन नहीं मिला है कि हम आप लोगों को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला जो मुद्दा है उस पर आपको लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि हमें समान पे समान वेतन और जितनी भी वेतन की विसंगतियाँ हैं वो दूर करना कर देंगे, ऐसा कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। हाँ जी, अगर आप भिलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों। भिलवाड़ा नगर परिषद के वार्ड नंबर 34 के निवासियों ने भिलवाड़ा कृषि मंडी सचिव को वार्ड में मंडी व्यापारियों द्वारा सड़ा गला माल वार्ड में इधर उधर फेंक देने को लेकर एक ज्ञापन दिया। वार्डवासियों ने बताया कि कृषि उपज मंडी के व्यापारियों द्वारा सड़ा गला माल मंडी की दीवार के सहारे व मंडी के कई क्षेत्रों में व वार्ड में फेंक दिया जाता है, जिससे दुर्गंध पैदा हो रही है एवं वार्डवासियों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस बारे में पहले भी अवगत कराया गया लेकिन इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। वार्डवासियों ने कृषि मंडी सचिव को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं हुआ तो समस्त वार्डवासी मंडी के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मंडी प्रशासन की होगी। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव धीरज कुजर ने भिलवाड़ा में सड़कों पर परत दर परत डामर चढ़ाने को गलत बताते हुए कहा कि यह व्यवस्था सुधारनी होगी। कुजर ने इस मामले को गंभीरता से बताते हुए कहा कि पुराना शहर, गोपालगंज और अन्य इलाकों में सड़कों पर परत दर परत डामर चढ़ाने से सड़कें मकानों से ऊपर हो गई है, जिससे कई समस्याएं पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि सड़कें भी इतनी घटिया है कि 3 दिन बाद टूट जाती है। गुजर ने कहा कि यह चिंता का विषय है, खास करके तकनीकी अधिकारी समस्या के समाधान के प्रति लापरवाही नहीं बरते। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे सड़कें नियमानुसार बनाए और गुणवत्ता का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके लिए कमेटी का गठन कर रही है जो लोगों से मिलेगी और उनकी समस्याओं को सुनेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने पार्षदों से कहेगी कि अपने अपने क्षेत्रों में हो रहे और हुए काम गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो उनकी सूची उपलब्ध करवाएं, जिसे जिला कलेक्टर के माध्यम से शिकायत करेंगे और फिर भी समाधान नहीं हुआ तो इसे विधानसभा में उठाकर कार्रवाई करवाएंगे। गायब होकर मकानों में पानी बहने लगा, सड़क से ऊपर, इसके बारे में क्या है? ये बड़ा गंभीर विषय है जिसके ऊपर सही बात है, और खास करके पुराने शहर के अंदर और जो गोपालगंज और इसका जो एरिया है, गुलमंडी साइड का एरिया है, वहाँ पर लोगों के मकानों से ऊपर सड़कें आ गई है और सड़कें भी इतनी घटिया क्वालिटी की, आप आज डामर करते हो और तीन दिन बाद में बारिश पड़ते हो पूरा आपका डामर और आपकी सड़क उखड़ जाती है। इस बात के लिए वाकई चिंता का विषय है और इसके ऊपर नगर परिषद के कर्मचारियों को, खास करके जो MB भरते हैं ठेकेदारों की, उनकी IN और JN को जिम्मेदारी बनती है एक्शन की। छोबाबड़ी सगस्ती महाराज का स्थान क्षेत्र का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान होकर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बाल बापू नागा ने कड़ी तपस्या की थी और रामजन की बापू के प्रति विशेष आस्था रहती आई है। यह आश्रम 700 साल पुराना है और इतने वर्षों से लोगों की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। हमीरगढ़ ग्राम के कुछ असामाजिक तत्व पिछले कुछ दिनों से आश्रम और संत समाज से दुर्भावना रखते हैं और आए दिन आश्रम की शांति भंग कर पवित्र स्थान को बदनाम करने हेतु नित नए हथकंडे अपना रहे हैं। जबरदस्ती आश्रम में घुसकर सगस्ती की मूर्ति खंडित करने का प्रयास करना, विराजमान संतों को आश्रम छोड़ने की धमकी देना, उन्हें जान से खत्म करने की धमकी देना आदि आपराधिक कृत्य किए जा रहे हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार की हरकतों से आश्रम में विराजमान संतों में भय व्याप्त है। साथ ही श्री पंचनाम जूना अखाड़ा गिरी एवं संपूर्ण संत समाज में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। इस प्रकार के असामाजिक तत्वों का संरक्षण स्थानीय जनप्रतिनिधि कर रहे हैं एवं उन्हीं के संरक्षण एवं आशीर्वाद से इन असामाजिक तत्वों द्वारा बिना किसी भय के आश्रम के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ज्ञापन द्वारा संतों ने मांग की है कि छोबावड़ी सगस्ती आश्रम की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, असामाजिक तत्वों की जांच कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए एवं साथ ही आश्रम के मुख्य द्वार पर सुरक्षाकर्मी नियुक्त कराए जाएं। अगर आश्रम में किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो उसके समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर समय रहते व्यवस्था नहीं की तो मजबूरन संत समाज को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 6 महीने से लगातार एक ही ग्रुप के द्वारा बार बार घटनाओं को इंजाम दिया जा रहा है। छोबावड़ी सगेसी हमारे रत्नेश्वर महादेव मठ पर, वहाँ के मठाधीश मैं हूँ, और अभी जो फिलहाल अभी 14 तारीख को जो हमारे रविवार को घटना हुई है उसमें हमारे भूतगिरी जी को बहुत बुरी तरह से मारा और राडी वाडी खींच ली और उनके पेशाब की जगह पर उनको लात मार कर मारा गया। इस घटना को इंजाम देने वाले एक ही ग्रुप है और उनको 7-8 जनों का वो ग्रुप बना हुआ है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं आज उसी को रोकने के लिए, और इन गतिविधियां कभी भविष्य में आगे नहीं बढ़े, आश्रम को बदनाम नहीं करें उसकी, उसको लेकर के आज हम SDM साहब को ज्ञापन दिया है। SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि भी इसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी अति शीघ्र, क्योंकि वहाँ पे माता बहनें भी होती है सभी स्थान पे और ये स्वयं करते हैं सेवा, और इस तरह अगर ये घटना हुई है, आज भूतगिरी बाबा जी के साथ हुई है, कल को इनके साथ भी हो सकती है, अकेले आश्रम में रहते हैं, तो अति शीघ्र इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो भी असामाजिक तत्व है उनको तुरंत उनके मतलब एक्शन ऐसे भी चल रही है। भिलवाड़ा के रिको स्थित SK इंडस्ट्रीज कम लागत में स्वरोजगार शुरू कर बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य के साथ काम कर रही है। 20 सालों से कार्यरत इंडस्ट्री ने अब तक हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ा है। कई तरह की अलग अलग मशीनों द्वारा रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। कंपनी के संचालक राजेंद्र शर्मा ने भी हमें जानकारी देते हुए बताया कि यहां ईंट बनाने की मशीन, इंटरलॉक ब्लॉक, तार जाली, बार बैंड, पानीपुरी, अगरबत्ती, PVC बैंड, पानी पाउच, गो कास्ट, चपाती मेकिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन, कई तरह के घरेलू उद्योग जैसे पापड़ बनाने की, झाड़ू बनाने की, पेपर प्लेट, कपूर गोली, स्क्रबर, मोब मेकिंग और भी कई तरह की मशीनें उपलब्ध हैं। SK इंडस्ट्रीज पिछले 20 साल से लगातार लोगों को रोजगार दे रही है, छोटे बड़े उद्योग से जोड़ रही है। लोग काफ़ी लोग जो है दूर दराज के लोग, हजारों लोग हमारे से उद्योग ले जाकर अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास सभी तरह की मशीनें जो हमारे पास है वो मशीन है, ब्रिक्स मशीन है, चैन लिंक्स मशीन है, दाल मिल है, आटा मिल है, स्लीपर मेकिंग मशीन है, इसके अलावा हेयर बैंड मशीन है, सभी तरह की ब्रिक्स बनाने की मशीनें भी हमारे पास है। जो भाई कम पढ़े लिखे हैं या बेरोजगार महिलाएँ हैं जो घर पर काम करना चाहती है,
ये उद्योग एक ऐसे उद्योग है जो हम पिछले 20 साल से तैयार कर रहे हैं। दो मशीन से हमने शुरुआत करी थी लोगों को रोजगार से, और आज हमारे पास इतनी सारी मशीनें हैं जो आप सब काम करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। संगम उद्योग समूह द्वारा शहर में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1,00,000 पौधे एवं ट्री गार्ड वितरण अभियान चलाया जा रहा है। पौधे लेने के लिए यहां लोगों की भीड़ लगी रहती है। नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी ने कहा कि भिलवाड़ा में प्रतिवर्ष संगम उद्योग समूह और पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू के सहयोग से 1,00,000 पौधे और 5,000 ट्री गार्ड का निःशुल्क वितरण किया जाता है, जो एक अनुकरणीय कार्य है। यह एक प्रेरणादायी कार्य है। सभी शहरवासियों को धरती व पर्यावरण को बचाने में इससे प्रेरणा लेनी चाहिए व प्रत्येक आदमी को पौधे लगाने चाहिए। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। शाहपुरा जिले के जाजपुर उपखंड क्षेत्र की पीपलून ग्राम पंचायत के चरहागा में स्थित देवनारायण मंदिर के पास नाड़ी में नरेगा कार्य के मस्ट रोल में टायर का फोटो अपलोड कर फर्जी हाजिरी भरने एवं फर्जी मस्ट रोल चलाने की शिकायत उप सरपंच सावन टांक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर की। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार ने पंचायत समिति विकास अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए। मामले की जांच करने मंगलवार को पंचायत समिति के AEN रामप्रसाद मीणा पीपलून पहुंचे, जहां पर मस्ट्रोल में जिस जगह पर नरेगा का कार्य होना दर्शाया गया वहां पर लेबर और मेट दोनों ही मौके पर नदारद मिले। पंचायत समिति के AEN रामप्रसाद मीणा ने बताया कि 16 जुलाई दोपहर 12:15 ग्राम पंचायत पीपलून के चरहागा में स्थित देवनारायण मंदिर के पास नाड़ी में रिनोवेशन कार्य का निरीक्षण करने कनिष्ठ अभियंता के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर मैट व नरेगा श्रमिक अनुपस्थित मिले और वहीं मौके पर जांच करने आए अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मस्ट्रोल में टायर की गलत फोटो अपलोड करने पर मैटों को ब्लैकलिस्ट करने की रिपोर्ट पंचायत समिति विकास अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को दी गई और मनरेगा में कार्य करने वाले श्रमिकों की NMMS ऐप के माध्यम से टायर की गलत फोटो ऑनलाइन अपलोड की गई थी, जिसकी शिकायत 15 जुलाई को पीपलून उप सरपंच सावर टाक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर फर्जी नाम से मस्ट्रोल चलाने व फर्जी हाजिरियां एवं नरेगा मस्ट्रोल में टायर की गलत फोटो अपलोड कर मनरेगा का पैसा उठाने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत की थी। दुर्गेश श्रीगर की रिपोर्ट। शाहपुरा में विद्युत निगमों में कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत GPF खाता आवंटित करने एवं CPF कटौती बंद करवाने और इंटर डिस्कॉम पॉलिसी बनाने ITI होल्डर टेक्नीशियन थर्ड सेकंड व फर्स्ट के लिए फर्स्ट 2016 से लागू टाइम बाउंड अपग्रेडेशन का वित्तीय लाभ ज्वाइनिंग तिथि से लागू करने और हार्ड ड्यूटी अलाउंस लागू करने के लिए राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले कार्यकारी जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार रेगर के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता AVVNL शाहपुरा और जिला कलेक्टर शाहपुरा को ज्ञापन दिया गया। मौके पर राम स्वरूप, मुकेश तेली, भवर सिंह हाड़ा, ब्रह्मानंद गुजर इत्यादि मौजूद रहे। शाहपुरा जिला स्तरीय अधिकारियों के साप्ताहिक समीक्षा बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई। बैठक में विभागों के कार्य प्रगति रिपोर्ट, परियोजनाएं व योजनाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति, जन सुनवाई में प्राप्त विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण सहित विभिन्न बिंदुओं की जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर शेखावत ने जिले से संबंधित विभागों की बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समय पर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर प्रस्ताव भेजने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने विद्यालयों में नामांकन करने के लिए विद्यार्थियों का आधार पंजीयन कराने, वृक्षारोपण के लिए स्थान चिन्हित कर निर्धारित लक्ष्य अनुसार पौधारोपण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। रायपुर उपखंड अधिकारी को नगर के काश्तकारों ने फर्जी पट्टे बनाकर रास्ते में कर रहे अवैध अतिक्रमण हटवाने को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि नगर पालिका रायपुर के हल्का आबादी ओगड़िया बालाजी तालाब की पाल के समीप मंगरी के पास खेतों में आने जाने वाले रास्ते पर रायपुर के ही भू माफियाओं द्वारा फर्जी तरीके से पट्टे बनाकर खेतों में आने जाने वाले रास्ते पर फर्जी पट्टे बनाकर रास्ते में अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है।
खेतों में आने जाने वाले काश्तकारों द्वारा बार बार मना करने के उपरांत फर्जी पट्टे धारक लाठी बाता लेकर लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अतिक्रमण की पूर्व में भी कई बार शिकायत के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण उक्त समस्या से सभी काश्तकार परेशान हो रहे हैं। विशाल वैष्णव की रिपोर्ट। आज सावन मास के अंतर्गत समस्त आम चोखला और समस्त व्यापार मंडल त्रिवेणी द्वारा विशाल भव्य आयोजन, प्रथम बार ऐतिहासिक श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव का आयोजन 6 से 12 अगस्त तक आयोजित होगा, जिसमें 5 अगस्त को भव्यता के साथ कलश यात्रा, श्री बजरंग व्यायाम शाला द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन सेवा एवं उज्जैन की तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। उसी क्रम में समस्त आम चोखला एवं व्यापार मंडल त्रिवेणी बिगोद द्वारा भगवान त्रिवेणी भोलेनाथ को प्रथम निमंत्रण पत्र अर्पित करते हुए आयोजन को सुव्यवस्थित रूप से मंगलमय सफलता की कामना की गई। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ जिला भीलवाड़ा व शाहपुरा की संयुक्त बैठक मुखर्जी उद्यान में मंगलवार दोपहर 3 बजे आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि सीपी जोशी, प्रदेश मंत्री, संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत विशिष्ट अतिथि नरेंद्र सिंह राणावत, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल राजस्थान संघ, प्रदेश महामंत्री सुरेश चंद्र रेगर, प्रदेश आईटी सेल प्रदेश प्रभारी व संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के ब्लॉक अध्यक्ष गजराज सिंह राठौर एवं अध्यक्षता किशन सिंह राठौर, जिला अध्यक्ष शाहपुरा व भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष ललित कुमार तिवारी के सानिध्य में सम्पन्न हुई। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।